यहाँ पे तो 3 दिवाली ही मनाई जाती है। धनतेरस भी हमारे लिए दिवाली, आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। तो हर वर्ष दिवाली मनाता है भारत, पूरी दुनिया मनाती है दिवाली। जब राजा रामचंद्र रावण को मार कर आए थे, तब भगवान राम की विजय की खुशी में ही दिवाली मनाई जाती है। और हम तो खुद भगवान राम के वंशज हैं, हमको ये बात कोई पाठ पढ़ाए, लेकिन राजनीति से जोड़कर जिस तरह से त्योहारों को भगवान को बीच में लाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी फेल हो गई, बीजेपी ने कोई काम किया नहीं देश में। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, 15 लाख रक्षे जिनका वादा बीजेपी ने किया, आज तक 15 लाख ढूंढ रहे लोग। नोटबंदी के बाद देश को बदलने की बात बीजेपी कर रही थी, देश बदल गया क्या? बीजेपी नोटबंदी पर बात नहीं करना चाहती, बीजेपी का कोई उम्मीदवार बात नहीं करना चाहता, महंगाई पर बात नहीं करना चाहता, 15 लाख और अच्छे दे पर बात नहीं करना चाहता। बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, उस पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती। बीजेपी से पूछो, आपने जो कहा था वो कर दिया क्या? आपने कहा नोटबंदी करने दो, 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे। तो भाई साहब, देश तो बदलाएंगे, नोट बदल दिया आपने। आप देश बदलने की बात करते, आपने पहले 500 का नोट बंद कर दिया, फिर 2000 का नोट बंद कर दिया, चाहते क्या, जान लोगे क्या? बीजेपी के सारे नेता झूठ, फरेब और भक्ति की राजनीति करते हैं। ये बीजेपी के तमाम नेता सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, ना चुनाव से पहले दिखते हैं, ना चुनाव के बाद दिखते हैं। इनको मतलब ही नहीं है, इनको तो कैसे भी चुनाव जीतना है। और बड़े बड़े टारगेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और ऊंची ऊंची फेंकते हैं। वो सारे के सारे बीजेपी के नेता बड़बोले हैं, उनका इतिहास नहीं है। इतने बड़बोले नेता है बीजेपी के नेता, इतने बड़े बड़े बोल बोलते हैं, ऐसे बड़बोले जो दोहरी चाल चलते हैं, जिनका चरित्र काला है, जिनका मन काला है, जो पूरी तरह से झूठ फरेब धोखे की राजनीति करते हैं, ऐसे बीजेपी के नेताओं को जनता रिजेक्ट करती है। मोदी पूरी कहते हैं लोकल वोकल, लेकिन बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। बीजेपी जिन लोगों की बुराई करती थी, बड़े बड़े डायलॉगबाजी करती थी, उन्हीं लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रही है, कांग्रेस से तोड़कर लाने की कोशिश में लग गई है। जो कांग्रेस छोड़ कर गए उनको तुरंत टिकट दे दिया बीजेपी ने, अपने कार्यकर्ताओं का टिकट काट दिया। तो बीजेपी खुद के कार्यकर्ताओं को तो टिकट काट रही है, और बीजेपी जिन लोगों को टिकट दे रही है, वो आते ही जो कभी फील्ड में नहीं रहे, जनता का कभी काम नहीं किया, सेवा नहीं की, कभी जनता के बीच में रहे नहीं, आंदोलन किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, तो उनका सफाया हो जाएगा। जो रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। कई लोग आते हैं बीजेपी का सिंबल लेकर, चोला पहनकर, और बड़ी बड़ी नाक फुला फुला कर बातें करते हैं। कई राष्ट्रीय स्तर के नेता उतरे पूरे राजस्थान में बीजेपी, तो जनता उनको जब रिजेक्ट करेगी तब पता चलेगा। लेकिन ज्योति खंडेलवाल की बात की जाए, सुरेश मिश्रा की बात की जाए, इनको टिकट के नाम पर लाया गया था लेकिन टिकट भी नहीं दिए गए। मुझे बड़ा दुख है, इनको टिकट पे यदि कहा था, इनको टिकट नहीं दिया है, मुझे बड़ा दुख है, मैं भी इनके दुख पर शामिल। और अब ये गए तो अब ये वहाँ पे गए तो क्यों गए, मेरे से बात करके गए, इससे मैं ज्यादा क्या कहूँ। एक पीएम कल आए थे उदयपुर, वो क्या के गए हैं? कल नेता तो बड़ बोले हैं, ऊंची ऊंची देते हैं, ऊंची ऊंची फेंकते हैं, तब प्राइम मिनिस्टर को लाना ही पड़ेगा, इनकी कौन सुन रहा लोकल नेताओं की। ये तो खुद ही यही कह रहे हैं, हमारे निशान को देखो, हमारे नेता को देखो। बीजेपी के कैंडिडेटों के साथ एक दिक्कत हुई, बीजेपी के कैंडिडेटों की कुछ खुद की पहचान ही नहीं है राजस्थान। जो भी बीजेपी का उम्मीदवार वो कहता है, आप मुझे मत देखो, मेरी पार्टी के निशान को देखो। तो भैया व्यक्ति काम करता है, और मेरे नेता को देखो। मैं कह रहा हूं आप मुझे देखो, मेरे चेहरे को देखो और मेरे काम को देखो। तो मेरे काम के आधार पर मैं वोट मांग रहा हूं, वैसे कांग्रेस के उम्मीदवार मांग रहे हैं, तो हम तो हमारे चेहरे के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हर बार नेता का चेहरा आगे कर दोगे आप, जनता रिजेक्ट कर रही है बीजेपी को, कांग्रेस जीत में जाएगी। लोगों ने नाम वापस लिए बीजेपी वालों, दम चीज चुनाव लड़ने के लिए। इनमें एक आदमी में दम है चंद्रभान सिंह आज्ञा, तो चुनाव लड़ रहा है, कम से कम खड़ा तो रहा। बीजेपी और एक दो रिबेल लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ, कांग्रेस या बीजेपी का नेता जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरता है, या कोई भी आदमी जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, उसमें दम चाहिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के। तो ये बीजेपी के तो फेल नेता है जिन्होंने विड्रॉ किया, इनमें दम ही नहीं था, विड्रॉ कर गए। लेकिन बगावत इतनी ज्यादा थी कि अमित शाह को फोन करना पड़ा, क्या स्टेट में? बगावत तो अपनी जगह, अब कौन से इन्होंने नाम वापस दे देते, चेपेंगे मीटर बीजेपी के नेताओं का, पता नहीं चलेगा कहाँ गए, मीटर चेपेंगे। ये तो और खतरनाक काम कर दिया बीजेपी ने, जिनको वापस करवाया ना विड्रॉ, वो लग गए साफ करने में सफाया, बेचारे उनका हक मारा गया। आप दूसरे ऐसे लोगों को ले आए, नए लोगों जिनको वो जानता ही नहीं, तो वो कैसे छोड़ेंगे, इनको रगड़ देंगे।